So, one manifestation of the adolescents increased serenity with thinking about the possibilities is the improvement of skill in deductive reasoning. क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों सबके साथ ऐसा है तो मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए. ठीक है, क्या होती है डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक. डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक पढ़ा है नहीं पढ़ा. चलो चाहिए डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक. कौन है ये कौन है. अब आप इसमें आपके दिमाग का कौन सा काम काम कर रहा है. व्हाट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज वर्किंग इन दिस टाइम. थॉट प्रोसेस में से क्या है, कैसे बता सकते हो मनमोहन सिंह है. पहले देखा हुआ है तो पहले देखा होगा कहां पे, मेमोरी में. नाउ अगेन memory advances and memory starts to develop in adolescence. यहां पे एक अच्छी memory बननी start होती है. अगर उन बच्चों को आप पूछोगे तो उनको नहीं याद होगा कि चार पांच दिन पहले क्या हुआ था, ये हुआ था. लेकिन ये बच्चे कुछ समझदार होने लगते, इनकी memory strong होने लगती है. देखो बातें बहुत सिंपल है. एवरी टाइम यू हैव अ फंक्शन ऑफ योर ब्रेन एंड दैट इज ऑटोमेटिक. That is automatic. मैं आपको बता रहा हूँ कितना सिंपल है, पर आपको ये सिंपल चीजें देखनी है. कोई अफलातून नहीं है कुछ. अंडरस्टैंड लाइफ एंड यू विल अंडरस्टैंड हो गई थी. अगर ये सन ऑफ सरदार, दिस इज मेमरी. नेक्स्ट अगर सो